पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का हरियाणा सरकार को झटका लगा है। हरियाणा में निजी क्षेत्र में प्रदेशवासियों को 75% नौकरी आरक्षण देने का कानून खारिज हो गया है। प्राइवेट सेक्टर के वकील अक्षय भान ने ये जानकारी दी है। निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में कुल 9 याचिकाएं दाखिल हुई थी। हरियाणा सरकार ने साल 2020 में निजी क्षेत्र में युवाओं को 75% आरक्षण देने का एक कानून बनाया था, जिसमें शुरुआत में 50,000 नौकरियां तक लागू किया गया था। बाद में उसमें सुधार कर 30,000 तक की नौकरियां पर लागू किया गया। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 75% आरक्षण कानून खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने 75% आरक्षण कानून को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार यह बताने में भी नाकाम रही कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह कानून बनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 35 के तहत किसी भी सरकार को इस तरह का कानून बनाने का अधिकार नहीं है। चार सवाल फ्रेम किए गए थे, चारों। ये 75% रिजर्वेशन को लेकर, 75% रिजर्वेशन को लेकर जो माननीय हाईकोर्ट के अंदर मैटर चल रहा था, ये पर्टेन करता था सन 2020 के अंदर एक एक्ट बनाई थी स्टेट ऑफ हरियाणा ने, जिसके अंदर ये कहा था कि 75% रिजर्वेशन रखी जाएगी लोकल कैंडिडेट्स के लिए जो भी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएंगे। पहले सैलरी कैप थी 50,000, उसको फिर करके 30,000 को 50,000 कर दिया गया था। जी, अभी कोर्ट ने में जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है सर, उनकी तरफ से दलील जो थी उसके बाद हाईकोर्ट ने इसमें अंतिम आदेश क्या दिया, आज ऑर्डर क्या हुआ है सर कोर्ट में? आज आदेश अभी शाम को ही उन्होंने सुनाए हैं, जो ये रिजर्व्ड पड़े थे सारे आदेश, उसके अंदर ये कहा गया है कि जो भी ये एक्ट थी जिस तरीके से बनाई गई थी, जिसके अंदर 75% रिजर्वेशन दी जा रही है प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए, वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, संविधान के बरखिलाफ है। इसलिए चार सवाल फ्रेम किए गए थे, चारों सवालों के ऊपर कचहरी ने जवाब देते हुए इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। नहीं रहेगा, ये एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी गई। ग्राउंड्स कई थे, प्रेशर पड़ता है सर, टूतों पे प्रेशर पड़ता है, उस चीज़ को लेके इसको चैलेंज किया गया था और वो हमारी आर्ग्यूमेंट मानते हुए हाईकोर्ट ने इस एक्ट को अन